हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटी या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं आपको स्टील ड्राइंग। स्टील ड्राइंग में हरियाणा और यूपी का सेम सिलेबस है, हम दोनों को कंबाइंड ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपकी डेमो क्लास रहेगी और सारी क्लासेज आपको पेड कोर्स में हमारे मिलेगी, जो हमारी ऐप है गुरुजी इंजीनियरिंग प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका draw to a suitable scale the details elevation of ridge joint। आपको एक रिज ज्वाइंट बनाना है ऑफ ए स्टील ट्रस्ट का फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। कुछ डेटा उन्होंने नीचे दिया गया है, जैसे दिया है इन्होंने प्रिंसिपल राफ्टर इनर टाई दी गई है, प्रिंसिपल राफ्टर 2 ISA 80x80x6 mm की दी है और इनर टाई दी गई है 60x60x6 mm की। टू का मतलब, यहाँ पर टू का मतलब होता है कि दो एंगल इन्होंने ज्वाइंट किए हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ गजट प्लेट 10 mm की दी है, पर लिन आपको दी गई है ISA 60x60x6 mm की, क्लिट आपको दी है ISA 60x60x6 mm की और साथ में दिया है रूफ कवरिंग एस्बेस्टस शीट, ठीक है। उस जो रिवेट लगी है रिवेट 16 mm डाई की लगी है और बोल्ट ऑफ द क्लिट एंड पर लिन 12 mm डाई का, सो रिज आल्सो, ठीक है। आपको अगर जो डाटा नहीं दिया गया है उसको आप एज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले कोई भी आप क्वेश्चन करो ड्रॉइंग में, कोई भी आप क्वेश्चन करो सबसे पहले एज्यूम करनी पड़ती है स्केल। तो हम एज्यूम करते हैं स्केल को, हम क्या करते हैं, हमने एज्यूम किया स्केल। स्केल आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पर 1:5 की स्केल ली है, ठीक है, 1:5 की स्केल ली है। अब देखो मुझे बनाना है रिज ज्वाइंट। रिज ज्वाइंट में जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है वो हमारा 30 डिग्री एंगल पर बनाया जाता है और इनर टाई आपकी 60 डिग्री एंगल पर बनाई जाती है। अब देखो मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया। अब इस पॉइंट पर मैंने किया सबसे पहले मैं 30 डिग्री का एंगल लिया, मैं स्केल को लिया और स्केल को लेकर 30 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, 30 डिग्री के एंगल मैंने यहाँ लिया और 30 डिग्री के एंगल लेने के बाद यहाँ से एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। यहाँ से मैंने एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ की, कहाँ तक, इस पॉइंट तक। सेम ऐसे ही फिर इस साइड मैंने 30 डिग्री का एंगल लिया और यहाँ पर भी इसी पॉइंट से, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ लिया है इसी पॉइंट से क्या किया मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो डॉटेड लाइन है हम सेंटर ले रहे हैं प्रिंसिपल राफ्टर का, किसका, प्रिंसिपल राफ्टर का, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं ये है मेरा एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल मेरा 30 डिग्री का है, इस साइड भी मेरा एंगल कितना है 30 डिग्री, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं इसी सेंटर पॉइंट से एक लेते हैं 60 डिग्री का एंगल। तो स्केल को लूज किया मैंने और 60 डिग्री का एंगल लिया, स्केल को लूज किया और 60 डिग्री का एंगल लिया। 60 डिग्री का एंगल लेने के बाद इसी पॉइंट से एक सेंटर लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ की, ठीक है। और सेम ऐसे ही 60 डिग्री का एंगल लीजिए और इस साइड भी मैंने 60 डिग्री का एंगल लेने के बाद एक सेंटर लाइन इसी पॉइंट से यहीं पर ही मिलानी है, ऐसे मैंने ड्रॉ की, ठीक है। अब देखो ये एंगल कितनी डिग्री का है, ये एंगल आपका 60 डिग्री का। अब देखो यहाँ पर, अब हमें ये मेरी जो सेंटर लाइन है ये है प्रिंसिपल राफ्टर की, ये मेरी जो सेंटर लाइन है प्रिंसिपल राफ्टर की है और जो ये मेरी लाइन है इनर टाइज की है, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल राफ्टर का साइज मेरा कितना है 80x80x6 mm, 80 mm का मतलब 80 mm हमारा कितना होता है इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको स्केल से कन्वर्ट कर देते हैं, हमने क्या किया इसको स्केल से कन्वर्ट किया। तो डिवाइड कर दो 5 × 5 = 3 × 5 = 16, तो 16 mm मेरे पास आया, 16 mm आया और 16 mm को मैं लिख सकता हूँ 1.6 सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हो 16 mm को 8 mm इस सेंटर लाइन के इधर और 8 mm इस सेंटर लाइन के इधर। तो अब आपको क्या करना है, स्केल को लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री पर, स्केल को 30 डिग्री पर लीजिए और आपको क्या करना है
8 mm इस साइड लिया आपने और 8 mm इस साइड लिया, तो 8 mm मेरा बैठ रहा है यहाँ पर, ये 8 mm मेरा यहाँ पर बैठ रहा है, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, और इसको ऊपर लेकर ऐसे गया इधर से और इधर से भी ऐसे लेकर गया। इस साइड से मैं इसको जिगजैग फॉर्म में कटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिज ज्वाइंट दिखाना है, रिज ज्वाइंट बनता है ऊपर, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर लेकर गया, सेम इसी साइड से मैंने 30 डिग्री का एंगल लिया, ये मेरा 30 डिग्री का एंगल था, इसके इस पर मिलाया और फिर ऐसे ही मैंने कितना 1.8 mm इस साइड लिया और 8 mm इस साइड लिया, तो पॉइंट यहाँ मार किया 8 mm इस साइड और 8 mm इस साइड, और मैं इसको लेकर गया ऊपर तक, मैं इसको कहाँ तक लेकर गया, ऊपर लेकर गया ऐसे, और इस साइड से मैंने इसको जिगजैग फॉर्म में कटिंग किया और यहाँ पर इसको इसके साथ ये ऊपर गई थी यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर मैंने किया ऐसे मिलाया, सेम ऐसे ही इस साइड से भी इसको ऊपर लेकर गया 30 डिग्री के एंगल पर, इसको भी मैं क्या किया ऊपर लेकर गया और यहाँ पर इसको मिला दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में 6 mm का गैप रहना चाहिए, ये मेरा क्या है प्रिंसिपल राप्टर, क्या है मेरा ये प्रिंसिपल राप्टर, ये मेरा क्या है प्रिंसिपल राप्टर, ठीक है ये मेरा प्रिंसिपल राप्टर है, दोनों के बीच में 6 mm का गैप रहना चाहिए। अब देखते हैं इनर टाई कितनी है, इनर टाई है मेरी 60 mm की, 60 mm को मैंने डिवाइड किया स्केल से 5 से, तो 12 mm आ गया, 12 mm का 6 mm इस साइड और 6 mm इस साइड, 6 mm अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो सेंटर लाइन के, तो 6 mm इधर दिखाना है, 6 mm इधर दिखाना है, तो मेरे को लेना है 60 डिग्री का एंगल, तो मैंने यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल इसके साथ शो किया, ठीक है ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने इसको लिया इसके साथ स्केल के साथ इसको लिया, ये इसके साथ लिया और 6 mm इस साइड लिया और 6 mm इस साइड लिया, मैंने 6 mm इस साइड लिया और 6 mm इस साइड, और इसको कहाँ लेकर गया, इसको मैं लेकर गया ऊपर यहाँ पर, और इस साइड से भी लेकर गया ऊपर ऐसे, और यहाँ पर इसको मिलाया और नीचे से जिगजैग फॉर्म में मैंने इसकी कटिंग कर दी क्योंकि ये नीचे कहीं तक जा रही होगी। फिर सेम ऐसे ही इस पर आइए इनर टाई का से जो सेंटर था, तो 6 mm आपने इस साइड लिया और 6 mm इस साइड लिया, और इसको आप ऊपर लेकर गए यहाँ और इस साइड भी ऊपर लेकर गए यहाँ पर, और इसको मिलाया ऐसे, ठीक है। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से इसको कर दिया आपने जिगजैग फॉर्म में कटिंग। अब देखो ये आपकी क्या है, ये है आपकी इनर टाई, ठीक। साइज कितना है इसका, ISA 60x60x6 mm, और इसका साइज क्या है प्रिंसिपल राप्टर का, 80x80x6 mm। अब देखो हमें ये 6 mm दिखाई देगा, 6 mm हमें दिखाई देगा, तो हम कहाँ पर दिखाएंगे, ऊपर की ओर 6 mm, 6 mm यानी कि 1 mm आप शो कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पर आइए, इसमें यहाँ पर आइए और 1 mm की एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सेम ऐसे ही इस साइड आइए 1 mm लीजिए और 1 mm की एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, सेम ऐसे ही 1 mm की लाइन इस साइड ड्रॉ की आपने, इस साइड भी 1 mm की आपने लाइन ड्रॉ की, 1 mm आए, 1 mm की ये लाइन आपने ड्रॉ की, सेम ऐसे ही थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो उसको देख लीजिएगा, यहाँ पर आइए इसको मिलाइए और 1 mm की लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ की, ठीक है इसमें थोड़ी मिल गई है, तो 1 mm की है। अब देखो इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको करनी है क्लिट, ठीक है। अब आप यहाँ पर लीजिए 90 डिग्री पर स्केल को सेट कीजिए 0 पर, 0 पर सेट करने के बाद यहाँ से एक
यहां से एक सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, एक सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ की। अब आपको क्या दिखानी है, अब आपको क्लिट और पर्लिन दिखाना है। सबसे पहले क्या बनती है, क्लिट। क्लिट आपका 16:16 यानी कि ये आपकी क्लिट है, ये आपकी क्लिट है इस प्रकार, ये 60 mm और ये भी 60 mm और ये आपकी 6 mm। सेम ऐसे ही आपकी पर्लिन भी ऐसे ही है। तो यहां पर आइए 60 mm और 60 mm, ये भी 60 mm और ये भी 60 mm। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है पर्लिन और ये आपकी क्या है, क्लिट, ठीक है। तो ये आपको बनानी होती है पर्लिन और क्लिट, जिसके ऊपर हम क्या जीआई सीट या एस्बेस्टस की सीट रखते हैं। अब आपको करना क्या है, स्केल को लीजिए, स्केल को लीजिए यहाँ पर। हम आपको रिवेट्स बाद में दिखाएंगे, हम जो रिवेट्स डालेंगे ना इनको बांधेंगे गजट प्लेट की हेल्प से, वो बाद में दिखाएंगे, अभी पहले समझिए। मैंने क्या किया, 60 mm यानी कि 60 mm को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो मेरे पास आया 12 mm। तो 12 mm आपने लिया ऐसे, यहाँ से 12 mm आपने ये लिया और 12 mm लेकर गए आप ऊपर, ठीक है। और 1 mm की आपने बनाई थिकनेस, 1 mm की क्या बनाई आपने, थिकनेस। ये आपकी हो गई क्लिट। अब ऐसे ही लीजिए आप पर्लिन दिखाइए और 12 mm इस साइड लीजिए और 1 mm की थिकनेस यहाँ पर सो कीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पर मिलाए और इसको यहाँ पर मिलाए, तो ये क्लिट बन गई। सेम ऐसे ही आपको करना है इस साइड भी, सेम इस साइड भी करना है आपको। इसके इक्वल लीजिए और 12 mm आपने इस साइड लिया, 12 mm आपने इस साइड लिया और 12 mm लिया आपने ऊपर की ओर, ठीक है। और 1 mm की थिकनेस इस साइड बनाई और 1 mm की थिकनेस इस साइड बनाई और इसको यहाँ पर मिलाइए और इसको इस साइड मिलाइए, ठीक है। ये हमारी क्लिट हो गई। इसके ऊपर बनानी है पर्लिन, तो पर्लिन बनानी है तो 12 mm ऊपर लेकर गए, ठीक है, 12 mm ऊपर लेकर गए और 12 mm लिया हमने इस साइड और 1 mm की आपने क्या बनाई, थिकनेस बनाई इस प्रकार। इसको यहां मिलाइए और इसको यहां मिलाइए। अब इसके ऊपर आपने क्या की, जी आई सीट लगाई या एस्बेस्टस की सीट लगाई, जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं एसी सीट, हमने की एज्यूम 15 mm की और थिकनेस उसकी ले रहे हैं हम 10 mm, 10 mm की थिकनेस ले रहे हैं, 15 mm यानी कि 15 mm यानी कि 10 mm 1 cm। अब 15 mm को आपने डिवाइड किया 5 से, तो आपके पास आया 10 mm, 10 mm इज इक्वल टू 1 cm। तो इसके इक्वल लीजिए, इसके इक्वल लेकर इसके को सेट किया और यहां से आपने क्या बनाई, एक सीट बनाई और 1 cm की थिकनेस ली, 1 cm की थिकनेस ली और यहां पर और 10 1 mm 1 mm इसकी दिखाई सीट, ये आपने लिया, ठीक है। इस साइड से इसको जिगजैग फॉर्म में कटिंग किया और इनको लेकर गए आप, जो ये सेंटर लाइन मैंने दिखाई है यहाँ पर ऊपर तक लेकर गए ऐसे और इसको यहाँ से कटिंग कर दी, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही आपको यहाँ की डिस्टेंस लीजिए इस साइड इक्वल 30 डिग्री का एंगल पर और इसको भी यहाँ पर आपने मिलाया और ऊपर लेकर गए और कितनी है जीआई सीट 1 cm, तो 1 cm यहाँ पर लीजिए और इसको यहाँ पर बनाइए और 1 mm की
इसकी थिकनेस आप सो कर दीजिए, इसको यहाँ पर मिला दीजिए और इधर जिगजैग फॉर्म में इसको कटिंग कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी जीआई सीट है, कटिंग कर दी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जे हुक बोल्ट दिखाना है। बोल्ट आपको दिया है 12mm डाय का, 12mm, 12mm का मतलब होता है आपको 12mm को अपने 5 से डिवाइड किया तो 2.4mm डाय का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आइए, आपका यहाँ पर आए, सॉरी, स्केल को यहाँ लेकर आए, इसके इक्वल अपने माना और यहाँ पर आपने जे हुक बोल्ट दिखाया 2mm का, 2mm का जे हुक बोल्ट लेकर आए और इसको यहाँ पर टर्न कर दिया इस प्रकार से, और ऊपर इसके ऊपर क्या शो किया, एक वार्सल आपने 5mm इधर और 5mm इधर छोड़ने के बाद ये बनाया, एक वार्सल बनाया जे हुक बोल्ट का वार्सल, और ऊपर दिखा दिया इसके नट, ऊपर क्या शो किया, ऊपर शो कर दिया नट। ठीक है, ये आपने इसके ऊपर नट शो किया। सेम ऐसे ही इस साइड आए जे हुक बोल्ट आपने बनाया, इस साइड आइए, इक्वल करिए इसके और यहाँ पर जे हुक बोल्ट दिखाइए, आप ऊपर लेकर गए, 2mm यहाँ पर लिया, 2mm यहाँ पर लिया और यहाँ पर बनाया जे हुक बोल्ट का हुक ऐसे, और यहाँ पर 5mm इस साइड आपने लिया, 5mm इस साइड लिया और इसका वार्सल सो किया, जे हुक बोल्ट का वार्सल। अब इसको ऊपर लेकर जाइए और नट, एक नट यहाँ पर सो कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया आपका, यहां तक आपका ये हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आती है मेन बात, अब करना क्या है आपको, अब आपको आती है मेन, आपको क्या दिखानी है, आपको गजट प्लेट में रिवेट दिखानी है, रिवेट। तो आपको रिवेट की पिच पता होनी चाहिए, पिच मिनिमम होती है आपकी 2.5 × d। अब 2.5 d मेरे पास कितना है, 16, तो 16, 2.5 को मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, कैलसी का यूज कर सकते हैं आप 2.5 × 16 इसकल टू आया 40 mm। तो आप एज्यूम कर सकते हैं, आपने एज्यूम किया कितना, 60 mm। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ऐसे एज मिनिमम का आता है 1.5 d डाय ऑफ होल। ठीक है, तो यानी के 1.5 डाय 16 प्लस 2 होल इज इक्वल टू कितना गया, 1.5 × 80। तो आपने एज मिनिमम निकाली 1.5 × 18 इसकल टू आया 27। तो 27 आया तो मैं 40 mm ले सकता हूँ एज डिस्टेंस। ठीक है, एज मैंने 14 mm ली और पिच मैंने कितनी, 16 mm एज्यूम की। तो अब आपको दिखानी है, देखो अब आप कॉर्नर से चलेंगे तो एज आपकी 40 mm है, 40 mm को आपने डिवाइड किया 5 से, कितना, 40 mm को डिवाइड किया आपने 5 से, 5 × 40 तो आपके पास 8 mm आ गया, और 60 mm आपकी पिच, 60 mm आपकी पिच, इसको भी 5 से डिवाइड किया आपने पास, 12 mm आ गया, कितना है, 12 mm। अब आप देखो स्केल को करो यहाँ पर 30 degree के एंगल पर सेट। अब सबसे पहले आपने कितना, 8 mm की डिस्टेंस छोड़ी, तो आपने यहाँ पर आए और 8 mm की डिस्टेंस छोड़ी यहाँ, और यहाँ पर 8 mm की डिस्टेंस छोड़कर एक रिवेट शो किया। ठीक है, प्लस की चीन से मैं मार्कर ले लेता हूँ दूसरा। फिर आपने 12 mm छोड़ा, ये मैंने दिखाया, एक
रिवेट यहाँ पर, फिर आपने कितना 12 mm छोड़ा, 12 mm आपने यहाँ पर छोड़ा और एक रिवेट यहाँ सो किया। सॉरी मार्कर दूसरा ही लेना पड़ेगा। फिर आपने एक रिवेट यहाँ सो किया, एक रिवेट आपने यहाँ पर सो किया, फिर आपने 12 mm लिया, एक रिवेट यहाँ पर सो किया, ठीक है। तीन रिवेट आप दिखा रहे हैं तो फिर आपको एज डिस्टेंस दिखानी पड़ेगी 8 mm। तो 8 mm यहाँ पर आए और डॉटेड लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ की, ठीक है। सेम ऐसे ही इस साइड आइए, इसमें आपने 8 mm छोड़ा, सेम ऐसे ही यहाँ पर आइए, 8 mm आपने छोड़ा, पॉइंट यहाँ मार्क किया और आपने एक रिवेट यहाँ पर सो की। फिर आपने 12 mm छोड़ा, एक रिवेट यहाँ पर सो की, फिर आपने 12 mm छोड़ा और एक रिवेट यहाँ पर सो की, और आप उसके बाद आगे कोई रिवेट नहीं दे तो 8 mm पर यहाँ पर गजट प्लेट की डॉटेड लाइन सो कर दीजिए, ठीक है। ये आपको दिखाई दिए, एक रिवेट ये है आपका, यहाँ है एक रिवेट, यहाँ है, मैं राउंड कर देता हूँ, एक रिवेट यहाँ है, सेम एक रिवेट यहाँ है, एक रिवेट यहाँ है, एक रिवेट यहाँ है, अगर आपको ऐसे दिखाई देना है। फिर आपको आ जाते हैं इसमें, इसमें भी आपने 8 mm छोड़ा सबसे पहले, ये 60 degree के एंगल है, इसकी इक्वल लो 8 mm आपने छोड़ा यहाँ पर, 8 mm छोड़ने के बाद एक रिवेट आपने यहाँ सो किया, फिर 16 mm छोड़ा आपने, सो 16 यानी कि 12 mm छोड़ा, फिर एक रिवेट यहाँ सो किया और 8 mm की डिस्टेंस छोड़कर यहाँ, ये थी, इसको मिलाइए यहाँ पर, ठीक। और सेम ऐसे ही यहाँ पर आइए, आपने 8 mm छोड़ा एज डिस्टेंस छोड़ के आपने एक रिवेट सो किया, फिर आपने 12 mm छोड़कर एक रिवेट यहाँ पर सो किया और उसके बाद आप एज डिस्टेंस दिखा रहे हो 8 mm, और इसको गजट प्लेट को अब आपने मिला दिया, ये आपकी क्या है गजट प्लेट, इस साइड से भी और यहाँ पर भी आपने इसको इसके साथ मिलाया, तो ये आपकी क्या थी, ये है आपकी गजट प्लेट, ये आपकी क्या है गजट प्लेट। और गजट प्लेट की थिकनेस उसने दी है, गजट प्लेट की थिकनेस दी है 10 mm, ये आपकी गजट प्लेट 10 mm थिक, ठीक है, 10 mm थिक, ये आपकी गजट प्लेट है, ठीक है। ये आपकी रिवेट हमने शो कर दिया, आप राउंड कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसा आपको दिखानी है बिल्कुल एक्चुअल टाइप में, एज डिस्टेंस और उनके बीच की पिच छोड़ गए। अब आपको दिखानी है क्या रिज ज्वाइंट है ना, तो रिज क्या आपको दिखानी होगी, तो ये मैंने सेंटर लाइन इसीलिए ली है, तो हम नॉर्मली जो रेडियस ले लेते हैं 100 mm का रेडियस हम ले रहे हैं, 100 mm का रेडियस ले रहे हैं, तो 100 mm का रेडियस हम लेंगे, कंपास में भरिए 100 mm, 5 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 20 mm, यानी कि 2 cm, 2 cm की आपने डिस्टेंस इसमें ली और इसको रखा यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर, ऐसे सेंटर पॉइंट पर यहाँ रखा आपने और यहाँ से एक कवर ऐसे बनाया, ऐसे एक कवर ऐसे बनाया, ठीक है। एक कवर ये बनाने के बाद आप इसको इस साइड लेकर गए, इधर और इस साइड भी लेकर गए इधर, ठीक है, और रिज की आपकी कवरिंग आपने सो कर दी, रिज की आपकी आपने कवरिंग, तो ऐसा आपने रिज कैप बनाया और यहाँ पर ये रिज कैप, ऐसा आपने रिज कैप शो कर दी, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये है आपकी रिज कैप, ठीक है, कितना रेडियस कितना है 100 mm, तो ऐसा आपका क्या बन जाता है रिज ज्वाइंट बन जाता है, ऐसा आपका क्या बन जाता है रिज ज्वाइंट, ये है आपका रिज ज्वाइंट, इस प्रकार से आपको रिज ज्वाइंट बनाना था, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे लेक्चर हम धीरे धीरे सारे लेक्चर ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है।
चलिए अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।